हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज हम देखेंगे बच्चों को आप नीटली कर्सिव हैंडराइटिंग लिखना कैसे सिखा सकते हैं। कर्सिव का मतलब होता है लेटर टू लेटर ज्वाइन करना, ये तो हमें पता है, बट कुछ लेटर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बच्चे को लिखने के लिए, छोटे बच्चों को स्पेशली, और जब वो रॉन्ग लिखते हैं ना तो वो लेटर समझ नहीं आता। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे बी आप देख रहे हैं, बी में यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, अगर बच्चा इस गैप को बढ़ा देगा ना तो वो एल की तरह लगेगा। आपने देखा होगा बच्चे जब लिखते हैं बी को, कभी कभार वो इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा गैप वो ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे वो बी नहीं दिखता, वो कुछ और दिखता है। तो अगर वो रॉन्ग लिखेगा तो वो पढ़ेगा भी रॉन्ग, और इसके अलावा एग्जाम में अगर वो इस तरह लिखेगा तो उसका मार्क्स भी डिटेक्ट होंगे, क्योंकि टीचर को समझ नहीं आ गया कि उसने बी लिखा है या एल लिखा है। तो आज हम देखेंगे कुछ डिफिकल्ट लेटर्स और उन लेटर्स के साथ दूसरे लेटर की कॉम्बिनेशन, जिसको आप घर पर प्रैक्टिस करवाइए सो दैट बच्चे की हैंड राइटिंग नीट हो और वो अच्छे से लिख पाए और उसके मार्क्स भी डिटेक्ट ना हो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे टू लेटर कॉम्बिनेशन आपको सिखाना चाहिए, मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स इसके रिलेटेड शेयर की थी। इसी तरह जो लेटर्स बच्चे को डिफिकल्ट होती है लिखने में वो आप आइडेंटिफाई करिए और उनको लिखना सिखाइए। जैसे कि बी, जैसे मैंने कहा बी डिफिकल्ट हो सकता है बच्चे के लिए, तो बी के साथ जो दूसरे लेटर के कॉम्बिनेशन जो थोड़े टफ हैं वो आप आइडेंटिफाई करिए और बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। बी की तरह जो कुछ और डिफिकल्ट लेटर्स होते हैं वो है वी या फिर डब्ल्यू, जिसका जो ज्वाइनिंग है वो ऊपर से होता है। अगर बच्चा वी को ऊपर से ज्वाइन करने के बजाय इस तरह से नीचे से ज्वाइन करेगा तो वो यू दिखने लगेगा। इसी तरह की प्रॉब्लम डब्ल्यू के साथ भी आती है, उनको यहां से ज्वाइन करना है ना कि यहां से। तो इस तरह की जो डिफिकल्ट लेटर्स है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बी के साथ जो दूसरे लेटर जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स मैं अभी शेयर करूंगी, जैसे कि बी ई, एक और होता है बी आई, देन बी ओ, देन बी आर, या फिर हो सकता है बी वाई। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करिए कि बी के साथ कौन से लेटर्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स बच्चे को लिखने के लिए आप एनकरेज करिए, आप एक बार लिखिए और उनको कर्सिव में प्रैक्टिस करवाइए। बी की तरह जो दूसरे लेटर्स जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं वो है ओ या फिर वी या फिर हो सकता है डब्ल्यू। तो ओ वी डब्ल्यू के साथ भी अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो दूसरे लेटर्स के साथ कैसे उनको लिखना है।
रिलेटेड कॉम्बिनेशंस और उनके रिलेटेड वर्ड। आप इस तरह के लेटर्स आइडेंटिफाई करिए, आपकी बेटे की किताब देखिए, आइडेंटिफाई करिए और उसको लिखने की प्रैक्टिस करवाइए। सो ये था आज का वीडियो। कर्सिव राइटिंग सिखाने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी होती है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आइडेंटिफाई करिए, बच्चे को टू लेटर जॉइनिंग, थ्री लेटर जॉइनिंग सिखाइए, उसके बाद बच्चे को बड़े बड़े वर्ड्स प्रैक्टिस करवाइए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोज़।